नमस्कार, सिंपली सियासत में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के चुनावी भविष्य के बारे में। 2022 के चुनावों में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का भविष्य क्या रहने वाला है, क्या संभावनाएं हैं, उस पर बात करेंगे। क्योंकि इस वक्त जब चुनाव करीब हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अपने चेहरे के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर आगे कर दिया है, ऐसे में पूरे प्रदेश में अगर योगी आदित्यनाथ के चेहरे के मुकाबले में कोई बड़ा चेहरा विपक्ष में देख रहा है तो वो अखिलेश यादव के अलावा और कोई नहीं है। और इसीलिए अखिलेश यादव की चुनावी संभावनाओं को लेकर इस वक्त तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। क्या अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करके एक बार फिर सत्ता में वापस आ पाएंगे? क्या समाजवादी पार्टी की रणनीति प्रदेश की जनता के उम्मीदों के अनुरूप है? इन सारे सवालों पर चर्चा करेंगे और बिंदुवार चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल मेरे नाम से है, कुमार भवेश चंद्र, लेकिन द इंडियन पोस्ट के नाम से ये ब्रांडेड है। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस चैनल के साथ रहेंगे तो आपको आने वाले समय में निष्पक्ष विवेचनाएँ सुनने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस विषय पर, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर चर्चा। और सबसे पहले जिस बिंदु पर बात होनी चाहिए वो है अखिलेश का चेहरा। जैसा मैंने कहा कि अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के मुकाबले एक मजबूत चेहरा माना जा रहा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि 2012 के चुनावों के बाद अखिलेश यादव ने लंबे समय तक, यानी पूरे 5 साल तक शासन किया। और इसके बाद की सरकार योगी आदित्यनाथ ने भी 5 साल काम किया है। उसके पहले प्रदेश में बहुत सारी अस्थिरताएं रही हैं, सरकारें बनी, मिलीजुली सरकारें बनी, मुख्यमंत्री बदलते रहे। हालांकि 2007 में उसको स्थिरता दी मायावती ने भी, लेकिन मायावती का चेहरा इस वक्त शायद प्रदेश की जनता ने उस तरीके से स्वीकार नहीं किया है। हालांकि दलित वर्ग में एक उनके प्रति सहानुभूति अभी भी है, समर्थन अभी भी, लेकिन जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं शायद उनके अनुकूल नहीं है, क्योंकि उन्होंने हाल के कुछ समय में कुछ ऐसे फैसले किए हैं जिसकी वजह से वो मुख्य चेहरे के तौर पर नहीं देखी जा रही हैं। ये एक सच्चाई है, एक राजनीतिक सच्चाई है। तो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के चेहरे को सामने रखकर प्रदेश की जनता को तय करना है कि वो कौन सा चेहरा होगा जिसके साथ वो अगले 5 साल तक उत्तर प्रदेश अपना भविष्य देखेगा। क्योंकि अखिलेश यादव ने 2012 के चुनाव के बाद जब सत्ता में आए समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पे, तो उनमें एक अलग तरह की छाप दिखाई दी। जो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया थे मुलायम सिंह यादव की रणनीति, उनके जो तौर तरीके थे काम करने के, उससे थोड़ा अलग दिखाई दिया। एक युवा मन जिस तरीके से प्रदेश को जो चीज़ें देना चाहता है वो उनके काम में दिखाई दिया। मेट्रो दिखाई दिया, आईटी सिटी का सपना दिखाई दिया, सड़कों का विस्तार का एक नज़रिया दिखाई दिया। तो इसकी वजह से प्रदेश के युवाओं में एक बड़ा वर्ग उनके साथ आता हुआ दिखाई दिया, उनके प्रति समर्थन में खड़ा हुआ दिखाई दिया। और इस वक्त जो योगी आदित्यनाथ के काम से संतुष्ट नहीं है, वैसे लोगों की उम्मीद एक बार फिर अखिलेश यादव के चेहरे पर टिक गई है। क्योंकि उन्होंने 12 से 17 के बीच में जो काम किए थे, उम्मीद की जा रही है। और वैसे लोग जो अखिलेश के समर्थन में खड़े हुए दिखाई देते हैं, उनको लगता है कि एक बार फिर से उस यात्रा को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो मुमकिन है कि एक बार फिर 2022 में वो लोग अखिलेश के पीछे खड़े हो जाएं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि अखिलेश यादव भी कुछ ऐसे कदम के साथ सामने आएँ जिसको लेकर और विश्वसनीयता बने। और वो कदम क्या होंगे? वो कदम होंगे सामाजिक समीकरणों को दुरुस्त करना। क्या अखिलेश यादव अपनी पार्टी में सामाजिक समीकरणों को बनाते हुए दिख रहे हैं? अगर इस सवाल पर बात करेंगे तो एक पॉजिटिव नोट आता है कि पिछड़ों की राजनीति जो इस वक्त एक नए मोड़ पे है, कह सकते हैं कि नए उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहता है प्रदेश में, तो उस पिछड़ों की राजनीति की रहनुमाई क्या अखिलेश यादव कर पाएंगे? क्योंकि यादव
और मुस्लिम वोट जो माना जाता रहा है कि उनके साथ ट्रेडिशनली रहा है, इस वक्त ऐसी स्थिति नहीं है, सिर्फ इससे काम चलने वाला नहीं है। तो जाहिर तौर पे अखिलेश यादव को सामाजिक समीकरणों को दुरुस्त करना है, वो इस दिशा में बढ़ते हुए दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग के कुछ वोटरों की उम्मीद कुछ दूसरे चेहरों पर भी टिकी हुई है, कुछ दूसरे लोग, दूसरी पार्टियों के लोग भी इसको लेकर प्रयासरत हैं और उन्होंने ज़मीन पर अपनी ताकत बनाई है। तो देखना ये होगा कि अखिलेश यादव ने जो कहा है कि हम छोटे दलों के साथ तालमेल करेंगे, समझौता करेंगे, बड़े दलों के साथ तालमेल करके तो उन्होंने देख लिया, लेकिन अगर सामाजिक समीकरणों को दुरुस्त करने के लिए वो छोटे दलों के साथ जिनका ज़मीन पर कुछ आधार है, जिनका उत्तर प्रदेश की जाति वर्ग विशेष वर्ग में प्रभाव है, ऐसे लोगों को अगर वो साथ ले पाते हैं, साथ ले लेते हैं, तो मुमकिन है कि सामाजिक समीकरणों का ये ताना बाना उनके साथ रहेगा तो उनकी लड़ाई और मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा पिछड़े वर्ग के अलावा दलित राजनीति, क्योंकि पिछले 5 सालों में प्रदेश में दलित समुदाय के साथ बहुत कुछ हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है, तो देखना ये होगा कि क्या अखिलेश यादव दलित समुदाय में कोई ऐसी संभावना जगा पाते हैं, दलित समुदाय के नेताओं को अपने साथ ले पाते हैं, क्योंकि दलित समुदाय उत्तर प्रदेश में एक मजबूत स्थिति में है। और आप देखिए कि मायावती की ताकत यही रही है, अगर मायावती अपनी ख़राब स्थिति में भी 18-20% का वोट ले आती हैं तो वो इसलिए कि दलित समुदाय का समर्थन उनको मिलता रहा। अखिलेश यादव क्या दलित लोगों, दलित समुदाय के बीच में ऐसी कोई संभावना जगा पाते हैं, या दलित समुदाय के जो नेता हैं उनके साथ कोई तालमेल कर पाते हैं, जैसे पश्चिम में सक्रिय है चंद्रशेखर आज़ाद, क्या उनके साथ किसी तरह का चुनावी तालमेल हो सकता है? तो अगर दलित समुदाय को भी अखिलेश यादव सामाजिक समीकरणों को फिट करने के लिए अपने साथ ले पाते हैं या उनके लिए कोई उम्मीद जगा पाते हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से वो अंबेडकर की बातें कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के दफ्तर में अंबेडकर को लेकर बहुत सारी बातें की गई, अंबेडकर की जयंती मनाने को लेकर अखिलेश यादव ने बहुत उत्साहपूर्ण बयान दिए थे, तो जाहिर है कि वो दलितों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ ये देखना पड़ेगा कि वो कौन से दलित चेहरे हैं जिनको वो अपने साथ रखना चाहते हैं, अपने बराबर का महत्व देना चाहते हैं। तो ये सामाजिक समीकरण अगर वो दुरुस्त कर लेते हैं तो मुमकिन है कि उनकी लड़ाई, जैसा मैंने कहा कि पिछले वर्ग को साथ लेने की वजह से उनकी लड़ाई मजबूत हो सकती है, वैसे ही दलित समुदाय को अगर वो अपने साथ जोड़ लेते हैं या एक संभावना बनाते हैं तो शायद उनकी लड़ाई मजबूत हो जाए। इसके अलावा एक और जातीय समीकरण है ब्राह्मणों का। पिछले कुछ समय से, जब से योगी आदित्यनाथ सत्ता में हैं, तो आखिरी के 2 सालों में ब्राह्मणों के बीच में एक ख़ास तौर पर चर्चा रही है कि उनकी उपेक्षा हो रही है। उसके लिए भी अखिलेश यादव ने परशुराम की मूर्ति लगाने की बात कही। अब देखना होगा कि सिर्फ परशुराम की मूर्ति लगाने से उनका काम चल जाएगा, या जो ब्राह्मणों में जो नेता है, जो सर्वमान्य नेता है, जो ज़मीन पर जिनकी ताकत है, क्या ऐसे लोगों को अखिलेश यादव अपनी पार्टी में अपने जितना महत्व देते हैं? क्योंकि अगर आप देखेंगे अखिलेश यादव के पहले समाजवादी पार्टी की रणनीति और मुलायम सिंह यादव का जो जिस तरीके का काम रहा है, उसमें उन्होंने जनेश्वर मिश्र को साथ रखकर ब्राह्मणों के, और कहिए कि आप सवर्णों के बड़े वर्ग को उन्होंने अपने साथ लिया था। उन्होंने यादवों के अलावा जो प्रदेश में बहुत ही ताकतवर माने जाते हैं कुर्मी समुदाय, उनके लिए बेनी प्रसाद उनके साथ थे, तो एक उन्होंने ऐसा एक बकेट तैयार किया था जिसमें सभी लोगों की ताकत शामिल होती थी। तो अखिलेश यादव अगर सामाजिक समीकरण को समझते हुए आगे बढ़ते हैं और सभी समुदाय को अपनी पार्टी में महत्व देते हैं, उसके हिसाब से वो आगे बढ़ते हैं, उनके हिसाब से रणनीति बनाते हैं, तो निश्चित रूप से 2022 की लड़ाई उनके प्रति मजबूत हो जाएगी। सामाजिक समीकरणों के अलावा चुनावी रणनीति और मुद्दे बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि चुनाव में सिर्फ एक कोई वजह काम नहीं करती है, मतदाताओं के मन में और अलग अलग वर्ग के मतदाताओं के मन में अलग अलग सवाल होते हैं, उन सारे सवालों को समेटना, उन सारे सवालों पर बात करना किसी भी दल के लिए मुमकिन नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी अपनी रणनीति बनाते हुए तमाम दल तमाम तरह के सवालों को, तमाम तरह के
जो इच्छाएं होती हैं, तमाम तरह की जो उम्मीदें होती हैं, उनको अपने पार्टी में, अपने एजेंडे में स्थान देना मायने रखता है। और इसी तरह से देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का जो विरोध है सरकार को लेकर, जिस तरीके से किसान आंदोलन चला है और उसकी वजह से राष्ट्रीय लोकदल ने वहाँ पे अपनी स्थिति मजबूत की है, तो राष्ट्रीय लोकदल के साथ अखिलेश यादव की साझेदारी है, समाजवादी पार्टी की साझेदारी है। तो इसी तरह से जो समाज के अलग अलग वर्गों के साथ साझेदारी को लेकर अखिलेश यादव की नीति स्पष्ट रहती है, उनकी उनके सवाल को एडजस्ट करते हैं, अकोमोडेट करते हैं अपने पार्टी के एजेंडे में, पार्टी के जो घोषणा पत्र में, तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को इसकी बढ़त मिल सकती है। और मुद्दे जैसे प्रदेश में रोजगार का एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बेरोजगारी आज की स्थिति में चरम पर है और कोरोना ने उस समस्या को और गंभीर कर दिया है। कई सवाल हैं और नौजवानों में एक रोजगार को लेकर अधीरता भी है, बेचैनी है। उस बेचैनी को समझना पड़ेगा, उस बेचैनी को अपने एजेंडा में जगह देनी पड़ेगी। तो क्या अखिलेश यादव अपनी रणनीति में इसको शामिल करने जा रहे हैं? क्या वो रोजगार को लेकर कोई कमिटमेंट करने जा रहे हैं? अगर वो नौजवानों को इस तरह का कोई कमिटमेंट देते हैं, जैसा कि उन्होंने पिछली बार अपनी सरकार में रहते हुए आईटी सिटी की स्थापना जो लखनऊ में वो करना चाहते थे, उसके पीछे उनका तर्क यही था कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को आईटी सिटी में, आईटी सेक्टर में नौकरी करने के लिए हैदराबाद, बेंगलोर और नोएडा का चक्कर नहीं काटना पड़े, वो जगह उनको लखनऊ ही मुहैया करा सकता है, और इसके लिए उन्होंने एक प्रस्ताव किया था, उस पर काम किया था। तो अगर अखिलेश यादव रोजगार की संभावनाओं को लेकर कोई वादा कर पाते हैं, कोई मजबूत कदम रखने की कोशिश करते हैं, तो और एक बड़ा तबका जो इस वक्त रोजगार और नौकरी की चाह में छटपटा रहा है, उनका समर्थन और सहयोग मिल सकता है। तो ये ऐसे कदम हैं जो अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में मजबूती दे सकते हैं। इन सारे सवालों पर वो बात तो करते हैं, लेकिन इसका एक समग्र रूप सामने जब तक नहीं आएगा, तब तक अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के प्रति जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार में रहते हुए जो गलतियां हुई हैं, जो नाकामियां मिली हैं उनको, उसकी वजह से जो एक विकल्प की तलाश है, उस विकल्प की तलाश में वो खड़े उतर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये सारे प्रयास बहुत ज़रूरी होंगे, और इन प्रयासों के बगैर पार्टी सिर्फ सपने तो देख सकती है, लेकिन ज़मीन पर जब कोई कदम नहीं पड़ते हैं और मजबूत कदम नहीं पड़ते हैं, तो पार्टियों को कोई बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलती है। सिर्फ बात करने से कुछ बात बनती नहीं है, ये हमने हाल के चुनाव में देखा है। और वो चाहे सत्ताधारी पार्टी हो, चाहे वो कितनी मजबूत पार्टी हो, लेकिन बात करने से बात नहीं बनती है। लोगों को साथ लेकर, लोगों की उम्मीदों के साथ खड़े होना किसी भी पार्टी के लिए ज़रूरी होता है। और इन सब के अलावा एक और भी सवाल जो है बेहद गंभीर है समाजवादी पार्टी के लिहाज से, वो है अपनी पार्टी को लेकर विश्वसनीयता। अगर 2017 में समाजवादी पार्टी की हार हुई है, और बड़ी हार हुई है माना जाए उसको, तो उसके पीछे उसकी विश्वसनीयता का अभाव भी था, क्योंकि परिवार के अंदर एक लड़ाई छिड़ गया था। तो क्या पार्टी एक बार फिर अपनी विश्वसनीयता को लेकर कुछ ऐसे घोषणा करने जा रही है, कुछ ऐसे कदम उठाने जा रही है जिसको लेकर पार्टी के प्रति विश्वसनीयता बढ़े? आपको याद होगा कि 2012 में अखिलेश यादव ने जब डीपी यादव को अपनी पार्टी में लेने से इनकार कर दिया था, तो उनकी एक छवि ऐसी, उनके बारे में एक मैसेज गया था कि वो पार्टी में अपराधी तत्वों को स्वीकार करने के मूड में नहीं है और एक नई दिशा में चलने के लिए तैयार है। क्या अखिलेश यादव एक बार फिर से उस तरह की कोई विश्वसनीयता कायम कर पाएंगे? ये सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के बारे में जो पहले से धारणाएं चली जा रही हैं, या उनके विरोधी उन धारणाओं को लेकर ऊपर हमले करेंगे, 2022 के चुनाव में कहा जाएगा कि क्या आप गुंडों की पार्टी के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि एक टैग लगाया हुआ है, उस टैग के साथ हर बार आपको मुकाबला करना होता है। तो अगर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी उस टैग के खिलाफ जो उन पर हमले होते रहे, उस टैग को लेकर उन पर जो हमले होते रहे हैं, उस हमले के लिए तैयार हैं, उस हमले का जवाब देने के लिए उनके पास कोई ठोस कदम है, और अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से प्रदेश की जनता एक बार फिर उनके साथ होगी। और अगर ऐसा होता है तो 2022 में
सत्ता के लिए एक दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि 2022 का चुनाव दो विचारधाराओं के बीच का भी चुनाव है। एक विचारधारा है जो योगी आदित्यनाथ के साथ है, उसके अपने सपने हैं, वो अपने सपने के लिए सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हैं और वो काम भी कर रहे हैं। एक संगठन है जो बहुत मजबूत संगठन है, जिसकी जड़ें बूथ स्तर तक हैं, जिसके पास एक प्रभावी रणनीति है, जिसके पास महत्वपूर्ण चेहरे हैं। तो आपको जब उन चेहरों से लड़ना है, उन चेहरों से मुकाबला करना है, तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी भी उसी तरह की होनी चाहिए। और क्या अखिलेश यादव इतने सारी तैयारियों के साथ 2022 के चुनाव में मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? और अगर अखिलेश यादव कुछ ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, तो निश्चित रूप से 2022 का चुनाव एक ऐसा उल्लेखनीय चुनाव होगा जिसे अपने चुनावी इतिहास के लिए याद रखा जाए, क्योंकि 2022 का चुनाव बहुत ही इम्पॉर्टेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और उतना ही इम्पॉर्टेंट है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने वाले जो विचार हैं उन लोगों के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विचार से असहमत लोगों को अपने साथ लेने की रणनीति अगर अखिलेश यादव मजबूती से बना सकते हैं, तो ये लड़ाई उनके पक्ष में जा सकती है। और अगर इसमें ढिलाई हुई, तो कोई दो राय नहीं है कि ये लड़ाई वो एक बार फिर नतीजे तक, अंजाम तक नहीं पहुंचा पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के विमर्श, इसी तरह की चर्चा के साथ मैं आपके सामने फिर आऊँगा। अगर आपको इस वीडियो के बारे में या मैंने जो विचार रखे हैं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के बारे में, अगर आप इससे सहमत हैं, असहमत हैं, तो आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में जाकर रख सकते हैं। हमें आपके सुझावों का, हमें आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह की चर्चा, इसी तरह के विमर्श के साथ। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।